ग्रेडियंट टूल के लिए पहले अपने को सिलेक्ट करना होगा ग्रेडियंट, ठीक है, सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक कलर बार आ रहा है, इस कलर पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर अपने को अभी पूरी वैल्यू दिख रही है अपने को, ठीक है। इस जो अपने ये बॉक्स आ रहा है इसको आप साइज चेंज कर सकते हो बॉक्स के अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ जो कलर्स अपने को दिख रहे हैं ये कलर्स हुआ है जो ऑलरेडी इसमें यहाँ डले हुए हैं, ठीक है, सॉर्ट ऑफ प्रीसेट मान लो, आप भी यहाँ अपने कलर बना के ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप खुद बनाओगे। अभी इनमें से जो भी ऊपर वाले दोनों नोड अपने को दिख रहे हैं हम लोग इनको चेंज नहीं करेंगे, हम नीचे वालों में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। नीचे वाले नोड है इन पे आप क्लिक करोगे, इनका कलर लोकेशन आ जाएगा, देखो, ठीक है। अब लोकेशन क्या है कि इस पूरे बार पे ये तो लोकेशन हो गई 0, ये लोकेशन हो गई 100, ये हो गई सेंटर, तो ये 50। तो अगर ये सेंटर में रखा है तो 50 है, मैं इसको 51 कर दूं तो 51 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर सकते हो, मैं फिर से इसको 50 कर दूं, फिर से 50 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ कितने भी नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट कर सकते हो, जितने आपको क्रिएट करने हो। कैसे करोगे, यहाँ जाओगे, हैंड टूल आएगा, क्लिक करोगे, नोड्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। हटाने हैं तो नोड को क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दो तो वो नोड हट जाएगा, और सबकी अपनी अपनी लोकेशन होगी 0 और 100 के पेज पे। ये जैसे अलग से बना हुआ इसको लास्ट में कर दो, इसको भी हटा दो। अब मेरे को एक 50 बनाना है तो मैंने एक यहाँ क्रिएट किया 53, इसको डाल दिया 50, ये 50 पे आ गया, ठीक है। अब जब ये 50 पे और अब ये सेलेक्ट है तो इसके इधर और इसके इधर दोनों तरफ ही छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं सेंटर्स में, इससे इसके बीच में और इससे इसके बीच में। अब सेंटर पॉइंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अब सेंटर पॉइंट की लोकेशन क्या है 50, तो इसकी जो लोकेशन है अब इस पॉइंट के लिए ये 0 है, ये 100 है, क्योंकि ये दोनों का मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसको भी इधर ऐसे ड्रैग वैग करना है तो आप इसको भी लोकेशन ऐड कर सकते हो, बाकी 50 एक्चुअल होता ही है, ये भी अगेन 50 है। इस पे अगर कलर चेंज करना, वही कलर पैनल आ गया अपना, तो आप कलर चेंज कर ही सकते हो जैसे आपको कलर चेंज करना हो। इस नोड का कलर चेंज करना है, इस नोड का कलर चेंज कर दो, इसका भी कलर चेंज करना है, इसका भी कलर चेंज कर दो, ऐसा कलर कर देते हैं ये लो, ठीक है। कुछ इस टाइप से अपने पास कलर हो गए। अब इस कलर को आपको बार बार यूज करना है तो इसमें सेव करना है पैलेट पे, तो न्यू पे क्लिक कर दो, ये यहाँ ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया कलर। तो आप कभी भी इस कलर को फिर यूज कर सकते हो, जैसे ये सब एडेड है ना वैसे ये भी ऐड हो जाएगा, क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स कलर्स इजीली डिजाइन कर सकते हो, ओके। ये इतना करने के बाद हम ओके प्लेस करेंगे। ओके करने के बाद में अब अपने पास यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ कलर्स दे रखे हैं जो अपन ड्रॉ करेंगे या डालेंगे ग्रेडियंट। तो इनको जब हम ड्रॉ करेंगे तो या तो बैकग्राउंड लेयर पे डालो तो पूरे भी फिल हो जाएगा, या न्यू लेयर क्लिक करके डालो तो न्यू लेयर में होगा, क्या इस लेयर के कोई सेलेक्ट कर लो एरिया तो उसके अंदर जाएगा, एरिया के अंदर अगर कोई एरिया सेलेक्ट कर लोगे तो, ठीक है। तो अपने ऊपर है कैसे अपने को क्या क्या करना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या न्यू लेयर ही बना ली, डायरेक्ट इसी पे मैं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला जो है ये है लीनियर, मतलब एक लाइन में मैंने यहाँ पॉइंट क्लिक किया और इधर मैंने ऐसे छोड़ा, तो जहां मेरा फर्स्ट पॉइंट था वो मेरा फर्स्ट कलर होगा और जहां मेरा लास्ट पॉइंट है मेरा लास्ट कलर होगा। देखो हमने यहां से यहां तक किया ऐसे, मैं यहां से यहां तक कर दूं ऐसे, अगर मैं इतना सा कर दूं तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर पूरा फर्स्ट वाला कलर, लास्ट पॉइंट के नीचे पूरा लास्ट वाला कलर, देखो ये फर्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, ये ऊपर पूरा कलर, ये नीचे पूरा कलर, ठीक है। बिल्कुल सीधा डालना है, शिफ्ट दबा के स्ट्रेट कर लो पॉइंट टू पॉइंट, ये ऐसे आ जाएगा प्रॉपर, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया लीनियर। नेक्स्ट होता है रेडियल, मतलब जहां अपन ने क्लिक किया वो सर्कल है और वो सॉरी सेंटर है, और जहां हमने लास्ट छोड़ा वो आउटर पार्ट हो गया सेंटर का, ठीक है। तो जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमारा फर्स्ट वाला कलर है, ठीक है, और ये आउटर हो गया। अब देखो आ गया समझ में, ये तो हो गया हमारा सेंटर। जैसे मैं सेंटर यहां रखू, अब मैं ऐसा ड्रॉ कर दू, ये देखो तो अभी ऐसे जाएगा, मैं यहाँ सेंटर रखू ऐसे ड्रॉ कर दू तो ये कुछ ऐसे जाएगा। आपकी जैसे आपके रिक्वायरमेंट हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो, कहीं भी वैल्यू डाल के, कहीं भी क्लिक करके, कैसे भी सेट कर दो, ओके। तो ये हो गया रेडियल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कोनिकल या एंगल, ठीक है। ये आपने सिलेक्ट किया, इसमें क्या होता है जैसे आपने ये ऐसा ड्रॉ किया तो एक साइड से फर्स्ट कलर चलेगा, स्टार्ट होगा, फिर पूरा राउंड मार के दूसरा आ जाएगा। जैसे आपने सपोज एक पेपर लिया, पेपर को आपने फर्स्ट
पेज लास्ट मतलब फर्स्ट वाला एज जो है लास्ट वाले एज से मिला दिया तो कोन बन जाता है ना, वैसे कोन बन जाएगा। ये भी देखो हमने यहाँ डाला ये फर्स्ट कलर, ये घूमा ये लास्ट कलर, ये मिडिल वाला कलर, ये घूमा यहाँ ये लास्ट कलर, तो दोनों कलर यहाँ मिल रहा है, बीच में कोन बन गया पॉइंटेड। क्लियर? हाँ, तो इससे आप कोन टाइप का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब इससे क्या क्या डिजाइन कर सकते हो अब आपको देखना है कि हम कैसे और क्या क्या डिजाइन करें, ठीक है ना। ये हो गया कोनिकल। फिर आता है रिफ्लेक्टेड, मतलब अगर हमने मैंने इतना सा बनाया तो देखना उसके ऊपर और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमने देखो इतना सा बनाया, ये इसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने ये इतना बनाया यहां तक, अब ये ऊपर ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो गया, इसकी एक कॉपी ऊपर भी चलेगी, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट है ये होता है डायमंड शेप का, इसमें चार बार रिपीट होती है वैल्यू। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सॉर्ट ऑफ क्लाइडोस्कोप टाइप बन गया ये। क्लियर? तो ये होते हैं अपने फाइव टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। अब इनसे आपको देखना होता है कि आपको क्या डिजाइन करना है, कैसे डिजाइन करना है। अब आप इजीली कुछ भी डिजाइन कर सकते हो इसमें, जो प्रॉपर डेप्थ भी दिखाए या रियलिस्टिक भी लगे, या बैकग्राउंड क्रिएट करने हो बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो आप इससे। सर एक बार रिफ्लेक्टेड वाला बताता हूँ। देखो रिफ्लेक्टेड के अंदर क्या है, ये आपने लिया, मैंने देखो यहां से लेके यहां तक ड्रॉ किया है बस, तो जहां से ड्रॉ स्टार्ट किया है उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर भी ये बन गया ना, तो ये इतना ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो गया ना, ये कॉपी हो गया उसका। आया समझ? हाँ। ये हो गया रिफ्लेक्टेड। तो अपने फाइव टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट है, अब इन्हीं से ही आपको डिजाइन करना है।